इससे लजीज कोई चाट हो ही नहीं सकती। हम जा रहे हैं, मैं, मुश्तबा, शराज, हसनैन, हम चारों मिलके जा रहे हैं मेरे गांव जिसका नाम है टंडो केसर। अब हम वेट कर रहे हैं मुश्तबा भाई का। अब तक मुश्तबा भाई को आना चाहिए था लेकिन मुश्तबा भाई नहीं आए। हैदराबाद टू मीरपुर खास हाईवे की एक ही जो है वजह है शोहरत है वो है कि नहीं। कैसे हैं मुश्तबा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। लकीली हमें बहुत ही खूबसूरत मौसम मिला है और देख रहे हैं वो धुंध भी है, मज़ा भी आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत मौसम है। आज हम ट्राई करने वाले हैं एक बाबू भाई की मशहूर चाट जो सुबह फजर के टाइम वो भाई अपना ठेला लगाते हैं और फिर वो 9 बजे तक सुबह को ख़त्म हो जाती है। तो हमने मुजम्मिल से बहुत कुछ सुना था इस चाट के बारे में, तो उसके बेहद इसरार के बाद हम आज जा रहे हैं इस चाट को टेस्ट करने, तो इंशाल्लाह ये अच्छा सफ़र रहेगा हमारा। सिराज, यासनैन, मुश्तबा, शदीद किस्म की, और मैं प्लेट सोच रहा हूँ कि मैं दूसरी प्लेट भी खाऊंगा क्योंकि सुबह मैं नाश्ता नहीं करके आया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इससे अच्छी चाट मैंने आज तक नहीं खाई। मेस्मराइजिंग, ब्यूटीफुल, जबरदस्त। कितने बजे यहाँ पे आते हैं? सुबह 4 बजे। 4 बजे? जी जी। और कब तक इसको वाइंड अप करते हैं? 9:30 बजे खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल खत्म। चाट बड़ी बेहतरीन है, मैं पिछले 1 महीने से डाइटिंग में था लेकिन मुझसे रहा नहीं गया ये चाट खाए बगैर। इतनी अच्छी चाट है। मतलब क्या आपको डाइटिंग में रहने की बिला वजह आप रह रहे हैं डाइटिंग में? बस समझ सकते हैं आप। यहाँ से टनों जाम हैदराबाद से जन्म हो रही है, बावर जोर है, सभी लोग आते हैं। बिल्कुल आते हैं। मैं मुजम्मिल भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें ये यहाँ लेकर आए। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था लड़कों के साथ, दोस्तों के साथ, बहुत मज़ा आया। और थैंक्स टू मैम आयजा अजीज़ के हम उन्होंने हमें ये प्रोजेक्ट दिया। और जो इन्होंने ब्लॉग हमें दिया बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। एंड होपफुली नेक्स्ट टाइम भी हम जाएंगे इनकी बाबू भाई की चाट खाने, ज़बरदस्त चाट थी। थैंक यू। मैं दूसरे लोगों को भी ये सजेस्ट करूँगा कि वो लोग आएँ और इस चाट को टेस्ट करें।